चीन और ताइवान के बीच लगी आग को देखते हैं। कल सत्ता में हमने आपको यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की परमाणु प्रस्थान वाली दादागिरी दिखाई थी। आज खबर चीन को लेकर है, जो ताइवान को चारों तरफ से घेर कर गोलाकार अभ्यास कर रहा है, और वो भी तब जब एक दिन पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सरसाइज रशिया ने शुरू की, जब करीब करीब एक हफ्ते के अंदर अंदर शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हो चुकी है और चीन अपनी अब दादागिरी दिखा रहा है। आम बोलचाल की भाषा में से आप जिनपिंग की जहाजगर्दी भी कह सकते हैं, जहाजगर्दी, क्योंकि ताइवान के चारों तरफ चीनी वॉरशिप्स फायर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे तो चीन की नजर सभी पड़ोसी मुल्कों पर रहती है, लेकिन ताइवान को तो चीन अपना ही हिस्सा मानता है, ताइवान पर अपना मालिकाना हक समझता है। पिछले कुछ दिनों से चीन और ताइवान के रिश्तों में लगी आग और भड़क गई है, क्योंकि ताइवान के नए राष्ट्रपति ने ऐसी जुबानी एक्शन लिया कि शी जिनपिंग ने सीधे वॉर एक्साइज वाला रिएक्शन दे दिया। इस वक्त की बात करें तो ताइवान में जिनपिंग के एक्शन को लेकर एक भय है, क्योंकि चीन पनिशमेंट ड्रिल कर रहा है। इस तलखी की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। आज से चार दिन पहले सोमवार को लाई चिंगते ने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। सत्ता संभालते ही ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन को यह संदेश भी दे दिया कि ताइवान में उसकी कोई भी दखलंदाजी और दादागिरी नहीं चलेगी, सीमा में फेरबदल की कोशिश कामयाब नहीं होगी। ताइवान के नए राष्ट्रपति के इस बोल्ड मैसेज से चीन को मिर्ची लगी और आज जिनपिंग की फौज उन इलाकों में हथियारों के साथ पहुंच गई जो ताइवान में, ताइवान की जल सीमा में आते हैं, मेरिडियन में आते हैं। चीन दुनिया को बता रहा है कि यह सिर्फ युद्धाभ्यास है, लेकिन ताइवान इसे आक्रमण से ठीक पहले की स्थिति के रूप में देख रहा है। तो अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा, क्या चीन और ताइवान का तनाव युद्ध तक पहुंचेगा। चीन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें युद्ध अभ्यास कम और युद्ध की धमकी वाली मात्रा ज्यादा है। यह वीडियो ताइवान से लगे समंदर में चीनी सैनिकों के अभ्यास का, जिसमें गोले बरसाते हथियार समंदर में एक्शन मोड में निशाना लगा रहे हैं, वॉरशिप्स हैं और युद्ध की ही तर्ज पर दौड़ते भागते हथियारों को लोड करते टारगेट को फिक्स करते रेड आर्मी के सैनिक हैं। चीन के युद्ध अभ्यास का कोड नेम है जॉइंट स्वॉर्ड 2024A, इसे पनिशमेंट ड्रिल भी कहा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल आप जानते हैं क्या है? बड़ा सवाल यह है कि कुछ इसी तरीके से वॉर ड्रिल यूक्रेन पर अटैक से पहले रशिया ने, बड़ा सवाल यह है कुछ इसी तरीके से बिल्डअप गाजा में अटैक से पहले इजराइल ने किया था। तो क्या यह चीन की एक कोशिश है ताइवान को हड़पने की? अब आपको उस लोकेशन को समझाते हैं जहां चीन हथियारों की हलचल है, जो इस वक्त ताइवान की जल सीमा में है, लेकिन चीन के जहाज वहां पर तैनात हैं। मतलब यह कि ताइवान को घेरने के लिए चीन आक्रामक रुख अपना रहा है। कैसे कहा जा रहा है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर आक्रमण कर सकता है, यह समझना बहुत जरूरी है। ऐसे कौन से हालात हैं, ऐसी कौन सी पोजिशनिंग है जो ये बता रहे हैं कि चीन जो है वो कभी भी ताइवान के ऊपर बहुत एग्रेसिव अटैक कर सकता है। आइए देखते हैं। ये मैप आपके सामने है, ताइवान की जल सीमा चीन तक है। चीन ने अपनी वॉरशिप्स ताइवान के चारों तरफ तैनात कर रखी है। ये देखिए अब आप हर तरफ, ये जो मेरिडियन लाइन आपको दिखाई दे रही है उसको देखिए जरा आप ध्यान से देखिए। इसके अलावा ताइवान के चारों तरफ चीनी फाइटर जेट, ताइवान के चारों तरफ चीन की आर्मी, ताइवान के चारों तरफ चीन की वॉर ड्रिल हो रही है। 145 किलोमीटर लंबा ताइवान स्ट्रेट, ध्यान से देखिए, और जहां पे मैं खड़ा हूं उसके ठीक नीचे राइट कॉर्नर में देखिए किनमिन, वुक्यू, मात्सू और डोंगयांग में ड्रिल की जा रही है। ये वो इलाके हैं जिनको ताइवान अपना कहता है, लेकिन चीन इनको अपना बताता है। चीन की सीमा से बहुत कम दूरी है, दूरी इतनी कम है कि चीन के कई इलाकों को यहां से देखा जा सकता है। ताइवान स्ट्रेट लगभग 145 किलोमीटर है। ताइपे जो ताइवान की राजधानी है वहां से सिर्फ, ये देखिए जो ड्रिल चल रही है यहां पर ठीक मेरे नीचे, 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की दूरी पर चीन के जहाज हैं। और दो और ताइवान के ल्यूक्यू आइलैंड से सिर्फ 9.5 किलोमीटर की दूरी पर चीनी वॉरशिप्स वॉर ड्रिल कर रहे हैं। इसी तरह आर्किड आइलैंड से 55 किलोमीटर की दूरी पर रेड आर्मी के जहाज अभ्यास कर रहे हैं। ताइवान के पिंगटोंग आइलैंड से चीनी जहाज की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर के आसपास है। सवाल है कि क्या किसी भी वक्त चीन ताइवान पर हमला करेगा? यह सवाल आज की तारीख में ताइवान में ट्रेंड कर रहा है, हर किसी के मन में है। और सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर शी जिनपिंग की मंशा और इरादा क्या है? ताइवान की सेना ने मैप पर बताया कि चीन के फाइटर जेट, नेवी के वॉरशिप और कोस्ट गार्ड कहां कहां किस तरफ से घेरा हुआ है। ताइवान की सेना के मुताबिक, अब यह जरा ध्यान से देखिएगा बाप, 45, एक दो नहीं,
45 चीनी फाइटर जेट आए थे, जिनमें 28 फाइटर जेट से ताइवान की सीमा के भीतर प्रवेश किया। चीन की नेवी के कुल 15 वॉरशिप और चीनी कोस्ट गार्ड के 16 जहाजों ने ताइवान को घेर रखा है, यानी ताइवान की जल सीमा में घुसकर गोले बरसाने की प्रैक्टिस चल रही है। यह सीधे सीधे युद्ध की धमकी है या एक्ट ऑफ वॉर। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहां पर? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताइवान को प्रोटेक्शन देता है कौन? अमेरिका। इंटरेस्टिंग बात क्या है? यूक्रेन को प्रोटेक्शन देता है कौन? अमेरिका। यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है कौन? रूस। ताइवान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है कौन? चीन। कुछ दिन पहले मुलाकात किसकी हुई थी? चीन और रूस की। चीन के एक्शन पर ताइवान के तेवर भी सकते हैं। कैसे चीन और ताइवान में जुबानी युद्ध हो रहा है, 30 सेकंड में आपको कुछ बयानों के आधार पर बताते हैं। ताइवान की तरफ से कहा गया कि चीन बार बार ताइवान के लोकतंत्र को धमकी दे रहा है। इसके जवाब में चीन का कहना है कि यह पनिशमेंट अभ्यास ताइवान की चेतावनी का जवाब है। ताइवान का साफ साफ कहना है कि चीन अपने ऊपर नियंत्रण रखे, जबकि चीन की तरफ से ताइवान के नए राष्ट्रपति साशी लाई के उस भाषण को याद दिलाया जा रहा है जिसमें उन्होंने चीन को चेतावनी दी थी। ताइवान का कहना है कि वो चीन के दबाव में नहीं आएगा, जबकि चीन का कहना है कि ताइवान में बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप चीन को उकसाने की कोशिश है। यहां पर बाहरी ताकतों का मतलब अमेरिका को माना जा रहा है। ताइवान का साफ साफ कहना है कि वो स्वतंत्र है, चीन उसकी सीमा में फेरबदल की कोशिश ना करे, जबकि चीन ताइवान को डरा रहा है। वो कह रहा है कि अभ्यास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संकेत है। ताइवान यह भी कह रहा है कि इस क्षेत्र में शांति स्थिरता बनाए रखने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहमति है, जबकि चीन इस सहमति से पूरी तरह असहमत है। उसका कहना है कि ताइवान दूसरे देशों के दम पर ताकत दिखा रहा है। कैसे चीन और ताइवान धीरे धीरे युद्ध की तरफ कदम बढ़ा रहे। 120 सेकंड की इस न्यूज रील से समझिए, यह सत्ता की एक ऐसी ग्लोबल खबर है जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा, क्योंकि ताइवान से पूरी दुनिया में 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई होते हैं। जो आप टीवी देख रहे हैं उसमें चिप है, जिस मोबाइल पर आप ये शो देख रहे हैं उसमें चिप है, जिस रिमोट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें भी चिप है। दुनिया को दिया, ताइवान को दिया कि हम इस तरह से घेराबंदी कर सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि चीन एक बार नहीं अनेकों बार इस तरह घेराबंदी कर चुका है, लेकिन इस बार जो घेराबंदी बहुत बड़ी है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रॉकेट फोर्स सबको मोबिलाइज किया गया है, पूरी तरह से चारों तरफ घेराबंदी की गई है। और शायद ये एक मैसेज है ताइवान को और जो उनके नए राष्ट्रपति जिनको चीन देश तो नहीं मानता है कि हम चाहें तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर सकते हैं, चारों तरफ से घेर सकते हैं आपको। ताइवान के नए राष्ट्रपति के चुनाव होते ही लाई चुंग थे, चीन उन्हें बिल्कुल देशद्रोही मानता है। देशद्रोही इसलिए क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की पनिशमेंट ड्रिल के तौर पर, ताइवान को घेरा, उनके जो द्वीप है उनको चारों तरफ से घेरा और दुनिया भर में पब्लिश किया, मैप दिखाए कि ये हमने किया है, कर रहे हैं हम ये, क्योंकि ताइवान हमारा हिस्सा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना को पता है अभी अमेरिका दो फ्रंट पे उलझा हुआ है, एक है मिडल ईस्ट और दूसरा है यूक्रेन। चाइना को पता है कि अमेरिका अभी अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि दो वॉर फ्रंट खुले हुए हैं, इकोनॉमी खराब है, बाइडेन वर्सेस ट्रंप चल रहा है, बाइडेन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इसको आशंकाएं हैं, ट्रंप का कोर्ट केसेस हैं, अमेरिका सबसे कंफ्यूज स्टेट में है। और चाइना को पता है कि यही राइट टाइम है, जो भी एक्शन ले वो ताइवान पर, इस पर अमेरिका काउंटर नहीं कर पाएगा। ये मामला आगे भड़क सकता है,
अगर आप आंकड़ों के लेंस से देखेंगे तो चीन और ताइवान की लड़ाई हाथी और चींटी के बीच की लड़ाई जैसी है। चीन यहां पर हाथी जैसा ताकतवर है और उसके सामने ताइवान की स्थिति चींटी जैसी है, लेकिन जमीन पर हर बार वो नहीं होता जो आंकड़ों में दिखता है। ये सबक रूस और यूक्रेन युद्ध से भी लेना चाहिए। आपने देख ही लिया है कि कैसे यूक्रेन रूस की सेना को पिछले 2 वर्षों से युद्ध में उलझाए हुए है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां भी ताइवान के साथ अमेरिका है, जिसे चीनी नेता और अधिकारी अपने बयानों में बाहरी ताकत बता रहे हैं। एक बार आपको चीन और ताइवान की सैन्य शक्ति के बारे में बताते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो चीन के पास करीब, ये जरा ध्यान से देखिएगा, 6,24,000, और इसमें उनके पास रिजर्व्स और कहीं गुना ज्यादा है, जबकि ताइवान के पास करीब 11,500 जवान है क्योंकि समंदर से घिरा है, उनको फुट सोल्जर्स की जरूरत कम होती है। एयरक्राफ्ट की तुलना करें तो चीन के पास 3,285 हैं जबकि ताइवान के पास 741 हैं, लेकिन सारे के सारे अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं, F-16 ज्यादा संख्या में हैं उनके पास। इस तरह लड़ाकू विमानों के मामले में भी चीन ताइवान पर भारी है। चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान है जबकि ताइवान की सेना के पास 288 हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी वाले विमान। कार्गो प्लेन चीन के पास 286 हैं, ताइवान के पास 19 हैं। पनडुब्बियां चीन के पास करीब करीब 79 हैं, ताइवान के पास सिर्फ 4 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर चीन के पास 281 हैं, ताइवान के पास 91 हैं। टैंक चीन के पास 5,250 हैं जबकि ताइवान के पास लगभग 1,110 हैं। अगर फिल्मों के लेंस से देखें तो चीन और ताइवान के बीच हालात कुछ ऐसे हैं कि जिनपिंग बोलेंगे मेरे पास ज्यादा सैनिक हैं, टैंक हैं, तोप है, लड़ाकू विमान है। इसके जवाब में ताइवान की तरफ से एक ही जवाब आएगा कि मेरे पास अमेरिका है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के 200 सैनिक हैं जो ताइवान के सैनिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। साल 2022 में यहां पर सिर्फ 30 अमेरिकी कमांडो थे। इन अमेरिकी कमांडो की तैनाती ताइवान के एक द्वीप पर है जो दक्षिण पूर्व चीन के तट के पास है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर चीन क्यों बार बार बाहरी ताकत का जिक्र करता है। ताइवान पर किसी भी हमले की स्थिति में चीन और अमेरिका सीधे आमने सामने आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यूक्रेन में अमेरिका नहीं आ सकता है फ्रंट फुट पर खुलकर सामने, लेकिन ताइवान के साथ उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ताइवान पर हमला होगा तो अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन फोर्सेस फ्रंट फुट पर खुलकर सामने आएंगे ताइवान को बचाने के लिए, क्योंकि यह उसका एक एग्रीमेंट है।